क्या खैरियत से? तो आज मैं हूँ भिवंडी में और हमारे साथ है सदर साहब। एक साथ आनंद तो एक्सपो जो है मतलब कौन कौन से बकरे दिखाए? कोटा बकरे दिखाए, लगभग सारे कोटा दिखाए, बड़े बकरे दिखाए। आसिम भाई खैरियत से? माशाल्लाह आप तो माशाल्लाह भिवंडी की जान हो, तो जैसे आप सेंटर में बैठे हो कुछ कहना चाहोगे क्या भिवंडी की एकता के बारे में? भिवंडी कमेटी बहुत अच्छा एक्सपो हुआ और काफी लोग आए माशाल्लाह, सब ने अच्छे अच्छे बकरे देखे अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर देखने मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो लालू सेठ आप फरमाइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था माशाल्लाह, मजा आया, बकरे बहुत अच्छे थे। तो आपका फेवरेट बकरा कौन सा था बताइए? ये व्हाइट वाला बकरा। व्हाइट वाला क्या नाम है? कोहिनूर। कोहिनूर, ठीक है। तो एक एक करके इंशाल्लाह लोगों से मिलाएंगे। तो मिजाब भाई वालेकुम अस्सलाम, बताइए क्या बताएं? ये माशाल्लाह एक गेट टुगेदर हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं माशाल्लाह, एक बड़ी क्वांटिटी में क्वालिटी में जानवर भी है, क्वांटिटी में पब्लिक भी है, बताइए। जानवर तो एक से एक है भाई, छोटे एक से छोटे है। तो आपका भी जिंग आया था इधर? जिंग था ना, जिंग तो समीर सलीम भाई बताइए। वालेकुम अस्सलाम, आपका फेवरेट क्या था? मेरा भाई मक्का छीना है। मक्का चीना कोहिनूर नाम है उसका, ठीक है। ठीक है, तो अली भाई क्या बोलते, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है। कंधे पे हाथ रख के एकदम एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। लेट हो गए आने में, हां इससे का भाई थोड़ा लेट हो गए अली भाई, लेट पहुंचे थोड़ा बकरे शो होने के बाद भी पहुंचे, माशाल्लाह में देखो चलेगा। दानिश भाई क्या बोलते आप? तो माशाल्लाह एकदम व्हाइट एंड व्हाइट हो आज, सुल्तान मिर्जा क्या? ठीक है सॉल्ट डालने रहे। अच्छा ठीक है, डालिए। तो आसिम भाई को और एक वकी भाई को, पहले पहले आसिम भाई को डाला जाएगा। ये जो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, इंडिया का सबसे अच्छा यूट्यूबर भाई, बहुत शुक्रिया आपका भाई सब। अस्सलाम वालेकुम वक्की भाई के, हमारे भिवंडी के सदर साहब, जिम्मेदार सदर साहब, और सबको साथ में लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलो भाई क्या बात है। तो हमारे मेहमान लोग भी आए, मैं आप लोगों को बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम, मजा आ रही है माशाल्लाह, एक गेट टुगेदर, एक लोग इकट्ठा हो रहे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वो साइड दिखा दो, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन हो रहा है पार्टी के लिए। अच्छा लालू भाई बच गए, लालू भाई हमारे भिवंडी के भी जिम्मेदार साथ, लालू भाई दुम्बा के शॉल कम है, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत कोशिश कर रहे हैं बचने की, शॉल कम पड़ सकती है, इतनी पब्लिक माशाल्लाह, इतनी अच्छी अच्छी शख्सियत ने माशाल्लाह काम करने वाले लोग हैं। तो ये तो खाली कुछ लोगों को पिनाया जा रहा है, ठीक है किसी ने मजाक में गायब कर। तो आरिश भाई क्या बोलते हैं, कैसा लग रहा है माशाल्लाह गेट टुगेदर, पब्लिक आ रही है, झूठ रही है, एक इंजॉयमेंट हो रहा है, भिवंडी बकरा कमेटी जो एक माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह छा रही है, मजा आ रहा है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा कलेक्शन है माशाल्लाह, सब बकरे अच्छे, बकरे भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई माशाल्लाह परिचय के मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई हमारे मापुली से आए प्रोग्राम के लिए। इरफान भाई आपको पता, मापुली से आप आए हो, भिवंडी की टीम, भिवंडी की एकता कैसी लगती है? माशाल्लाह सब में बहुत अच्छी एकता है, और सब में काफी मतलब सब में अपने भाईचारा बहुत अच्छी है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सदा साहब हमारे वकील भाई आए, वकील भाई तो माशाल्लाह मुलाकात हो गई, ठीक है। कोहिनूर वकील भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, कल्याण से आए सिर्फ प्रोग्राम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये आना बहुत बड़ी बात है, टाइम निकाल के, क्योंकि सब बिजी शेड्यूल है उनका माशाल्लाह, वही तो बोला मैं आपको शॉल की फुर्सत नहीं है, शॉल कम पड़ सकती है, इतने माशाल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियत आई है। मारूफ भाई कैसे बोले, खैरियत? मजा आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जोएब भाई हमारे बॉम्बे से आए, तो जोएब भाई अस्सलाम वालेकुम, आप फरमाइए भिवंडी में माशाल्लाह ऐसे फंक्शंस तो चलते रहते हैं, आप आज आए आपको कैसा लग रहा है? मैं तो भाई वकी भाई की मोहब्बत में आया हूँ। अच्छा उनके लिए आया हूँ खास, तो वकी मतलब सदर साहब की माशाल्लाह मोहब्बत टूट टूट के भरी आपके अंदर, सदर के काबिल है ना ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बड़ी बात है। क्या अलग एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग को लेके चलना, वो बड़ी बात होती है जो हमारे सदर साहब अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हमजा भाई आप बोलिए। बस वालेकुम दुआ में याद रखते। तो क्या हुआ चश्मा ऊपर पहने इतनी रात में, क्या बात है? चश्मा नीचे पहनता हूँ ना तो फिर मेरे को सब क्या सब और याद आता है। ठीक है, अनीस भाई कोहिनूर, जैसे आपका फार्म का नाम कोहिनूर है, यहाँ एक बकरे के जो है नाम भी कोहिनूर रखा गया है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं?
उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, किसका बकरा हो कुछ भी नाम रख सकते। अच्छा, ऐसा कोई मसला नहीं है कि जरूरी हम रखें। माशी भाई क्या बोले लियान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मेन पिलर तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ही लग रहे हो यार। यार लियान भाई मेन पिलर की क्या बात है, बहुत छोटे लोग हैं लियान भाई। ऐसा बोलो यार, मतलब आपके माशाल्लाह बकरे ज्यादा देखते हैं लॉन्चिंग में मेरे ख्याल से, ठीक है? तो कैसा लग रहा है आपकी एक आवाज पर? अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी बकरा कमेटी आ चुकी है, कल्याण से भी लोग आए, महापुली से भी लोग आए, बंबई से भी लोग आ गए। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि इतनी इज्जत नवाजे माशाल्लाह, हमारे बुलाने पे आए। लॉन्चिंग अल्हम्दुलिल्लाह होते रहती है, इतने सारे लोग एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे आना बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। और सब माशाल्लाह अच्छे लोग पहुंचे, जिनको जिनको आपने इनवाइट किया था माशाल्लाह सब खर्रे लोग आ गए। क्या बात है, मेरा मुल्ला ये आदमी बुलाता हजारों को है, आज समझ रहे हैं बकरा कमेटी। हाशिम भाई आपके तो अल्फाज बस, मेरे ये अल्फाज है, काम करेंगे इंशाल्लाह, आगे बहुत तरक्की होगी और साफ सुथरा काम करेंगे, भिवंडी को वो मकाम पे लाएंगे कि लोग याद रखेंगे। क्या बात है, आगे जो आज ओ इलियास भाई जरा मेरी तरफ से उस आशिम भाई को और अच्छे बकरे लाने की कोशिश करें। क्या बात है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है हौसला अफजाई भी खेल रही है। मैं आपको बता दूं आशिम भाई के एक्सपो है, बड़े बड़े माशाल्लाह कोटे एक से एक बकरे बताए जो मेरे हिसाब से भिवंडी में किसी के पास नहीं। मेरे ख्याल से अहमद भाई आप बड़े बकरों में काम करते हो। मैं बड़े बकरों में काम करता हूँ, मेरे को बड़े बकरे पसंद आते हैं। अहमद भाई पसंद आएगा नहीं बहुत माशाल्लाह, पूरी पहनो चप्पल। मैं सोजा का शौकीन हूँ, लेकिन आज मैं कोटा देखा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं भी कोटों में कुछ काम रखूंगा, एक कोटा रखूंगा। चलो ठीक है, फटाफट शॉल पीना हो अहमद भाई, आशिम भाई और अपने नबील भाई को दो, एक शॉल लाया तुमने, दो एक शॉल में दो, एक शॉल में दो काम, ऐसी मोहब्बत कायम रखे, सबको जोड़े रखे। एक बात आपको बोलूंगा कि ये आदमी जब से सदर बना है पूरी भिवंडी जो बकरा कमेटी एक हो गई है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आदमी लेके चलता है भाई है तो ये पूरे ये सब चीज हो रही है, ये सब चीज हो रही है याद भाई, और ये भी बोल रहा हूँ मक्की भाई है तो आज सब जुड़े हैं, सब ताना फना होते हैं। लोग माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं, क्या खाना भी शुरू हो चुका है, खाना भी शुरू भाई, खाने की राय छूट के लिए आसिम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और हर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में वो मेहनत करते, मेरा लास्ट ईयर एक्सपो अकेले शूट किए थे रात में 1 बजे। और सोहेल भाई आसिम भाई जो मेहनत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को हर एक चीज़ जो भिवंडी की दिखा रहे, तो आपको कैसा लग रहा है भाई? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली चीज तो बोलूँ, मेरा नाम अहमद है, सोहेल नहीं है, तो नाम लेने में थोड़ा गड़बड़ है। सोहेल पार्टनर है, सोहेल मेरा पार्टनर है, आसिम भाई है हमारे। और बोलो ना, मैं ये एक बात मैं बोलूँगा, जैसा इलियास भाई है और भी यूट्यूबर है, लेकिन आसिम भाई जो यूट्यूबर है ना वो इंटरनेशनल यूट्यूबर है, वो सिर्फ महाराष्ट्र और इंडिया का यूट्यूबर नहीं है। काफी लोगों को आसिम भाई से सीखने मिलता है, बहुत सीखने मिलता है आसिम भाई से। जुड़ने के बाद बहुत सारे नए लोगों से भी माशाल्लाह जुड़ने का मौका मिला, एक ट्रांसपेरेंसी के जैसा साथ, जेन्युइन लोगों के साथ माशाल्लाह काम हो रहा है। जैसा कि आपने आज एक वीडियो में बोले कि पहले अपन बकरे देखते थे, तो ये सब शौक जो हुआ अपने को, तो आसिम भाई के चैनल पे देखने की वजह से अपने लोग को मोटिवेट हुए कि जो ज्यादातर बकरे अपन ने दिखाए तुमने देखे भी देखते थे ना। हाँ। हम बड़े बड़े चैनल पे भी देखते थे हम आज ये सब जो ब्रीड है अपने पास, वक्की भाई सामने खड़े, झूठ बात नहीं करूंगा वक्की भाई, टाइम ऐसा था कि अपन आज जो बकरा ला के खरीद के लाए खड़ा कर दे रहे, वो हमारे सपने में भी नहीं आता था। अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ी बात है कि आज जो बकरे हम लेके आ रहे हैं वो लोगों के सपने में भी नहीं आ रहे। ये सब जो सीखने मिला है और एक एक चीज एक एक ब्रीड जो बताए आसिम भाई ने, तो इससे अपन लोग मोटिवेट हुए, तो कि जैसे आपने आज बोला वीडियो के अंदर कि आसिम भाई कि ये बकरे अपन खाली वीडियो में और देवनार वगैरह में देखते थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने पास आसिम भाई के पास खड़े हैं फेमस गॉड फॉर्म पे, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को भी खुद देख के, और इतने बड़े बकरे। और आपको कैसा लगा वकी भाई? बहुत बेहतरीन बकरे, बेहतरीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बकरे, जो एक्सपेक्ट भी नहीं कहते उससे कई ज्यादा। लोगों का बड़े बकरों का 100 110 किलो 20 किलो के बकरों का एक्सपो दूसरों का देखते थे। अच्छा, भोपाल में यहाँ कर रहे और आज यहाँ देख रहे, खुद कर रहे और आँख से देख रहे, तो बहुत दिली अलग खुशी है। बात बोलता हूँ, किसी को बुरा भी नहीं लगे, ये जो बड़े बड़े बकरे थे ना भाई, ये सब बहुत बड़े बड़े लोगों के मियार में थे। अच्छा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने लाए तो अपन ने अपने ऐसे छोटे आदमी को भी ला के दिखा दिए बकरा की, देख लो भाई 2 लाख 3 लाख के नीचे बकरे नहीं बिकते थे बड़े, ये सच्चाई है। और आज अपने पास है तो अपने को कैसा लग रहा है कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक आज अभी जैसे अपने जो नबील भाई है वो वीडियो में बोलते बोलते उनके अल्फाज जो थे
वो खुद उनके मतलब भाविक हो गए थे, बता रहे थे, जज्बाती हो गए थे कि मतलब अपने पास इतना अच्छा कलेक्शन है जो खाली वीडियो में आगे देखते रहते थे और वो चीज़ अपने पास आज है, तो उसकी जो फीलिंग होती है ना आशिम भाई, वो बहुत अच्छी फीलिंग उनको हुई, तो वही बारे में बताओ एक बार। पहले कैसा था, ठीक है, आदमी का देखो अपना एक स्टैंडर्ड होता है काम करने का, पहले जो भी काम किए नबील भाई ने, लेकिन अब माशाल्लाह अपने साथ जुड़े हम लोग पूरा एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। और आज जब वीडियो आती है, आमिर भाई ये हम मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है, ये भाई जो भी चीज़ें होती है सब राय मशहूर है, सबको बताई जाती सब है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये काम में हम लोग जितने एक दूसरे बताए काम कर रहे हैं। और जितने भी व्यूअर्स हैं हाशिम भाई के, उनको मालूम ही है कि भिवंडी के अंदर क्या क्वालिटी आती है, माशाल्लाह सभी भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं वीडियो के अंदर, और सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ता है उसी के ऊपर अपने को फर्क पड़ता है। बुरा कमेंट अपनी जगह है, कोई दिल का दुखा रहता है वो बुरा कमेंट भी करता है, जो खुश रहता है वो अच्छा करता है, तो कमेंट को छोड़ दो, ये अपने एक नजरिए की बात है। कमेंट तो एक ऐसा एक सेशन है कि समझो एक यूट्यूबर भी चाहे या मैं जाऊँ, मेरा खानदान है 600-700 आदमी का, अच्छा। मैं जाऊँ तो इतना कमेंट करवा दूँ भिवंडी में, लेकिन वो बात वो अपना वो एक अलग रहती है। हाँ आशिम भाई कमेंट कराना चाहूँ तो मैं इतना कमेंट करवा दूँ, मेरा बोलना क्या मालूम है, कमेंट से कुछ फर्क नहीं, कमेंट से कुछ नहीं होता, अच्छा माल दिखता है, अच्छा लाओ। और आज भिवंडी लेवल पे जो काम हो रहा है, आशिम भाई भी पहले जो अपन ने देखे एक काफी अच्छा कलेक्शन, आप जो बोल रहे हैं वीडियो ऐसी झेल चुका हूँ पिछले साल, जिसके अंदर हमजा को मैं समझता हूँ एक घंटे में 120 कमेंट है नेगेटिव, मतलब 20 मिनट में पूरे बकरे बिक गए, क्योंकि बकरे वो मयार के थे, बकरे वो क्वालिटी के, क्वालिटी खुद अपनी चीज बताती है, कमेंट से कुछ नहीं होता, अल्लाह का नेवाल को सब समझता है, डालते हैं और बहुत महंगा माल डालते हैं, तुम्हारी वीडियो बोलते हैं, हम महंगा माल बेचते हैं, हमको कोई सस्ते का शौक नहीं है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह बिकवाता हूँ, हम लेते भी महंगा है, सस्ता लेते भी नहीं है, क्वालिटी लेने में आमिर भाई माल महंगा ही मिलता है, सस्ता नहीं मिलता है, तो अब वो मैं तुम्हारे चैनल पे झूठ बोलूँ, आओ आओ मैं सस्ता देता हूँ, सस्ता है भाई, मेरे लिए सस्ते का सीन ही नहीं है, ना वक्की भाई के इधर ना इनके पास है, हम लोग अच्छी चीज़ जो उसकी जो मुनासिब कीमत रहेगी वो, जैसे वक्की भाई बोलते ही हमेशा कि वक्की भाई और हाशिम भाई हमेशा बोलते ही कि आकर देख कर लो, आकर देख कर लो, माल ऐसा लोग है जो आगे तुम्हारे को उसकी पलाई से लेके हर चीज़ परवड़े, अच्छा कुछ भी बकरा लेके फिर वो आगे लगता है महंगा हो रहा है, हम पलाई पे रखते हैं, हमको मालूम है, आमिर भाई कट्टू के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, झूठ बात नहीं करूँगा वीडियो पे, लाके हम तहलका मचा सकते हैं, 8,000-9,000 में गुलाबी बच्चे, लेकिन इंशाल्लाह वो अगले साल भी उतने किलो पे खड़े रहेंगे, तो क्या करोगे उसमें, बचते नहीं बचते, बहुत सारे इशू है, तो ये वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, अल्लाह हाफिज। तो हाशिम भाई ये वीडियो किस पर्पज के हिसाब से बना रहे हैं? ये हमारे बहुत खास दोस्त है शादाब भाई माशाल्लाह, ये बाल फूल वगैरह पूरा ट्रेनिंग वगैरह माशाल्लाह बहुत साफ आते हैं, अच्छा ये हमारे इधर भी कंटिन्यू आते रहते हैं माशाल्लाह, भिवंडी में भी राउंड लगता है और ऑन कॉल काम करते हैं माशाल्लाह। तो कहाँ पे रहते हैं पहली बार बताओ? ये रहते हैं इटवाला में। तो कहाँ कहाँ मतलब सर्विस देते हैं आप? बम्बई में तो करता ही हूँ हर जगह, बाकी ऑल ओवर इंडिया, बम्बई के बाहर भी रहेगा कोई कस्टमर जैसे बकरे पालने वाला, हाँ। वो कॉल करता है कि साथ भाई खुर काटना है या बाल काटना है, तो उसके लिए भी मैं जाऊँगा। तो एक आध बकरों का क्या चार्ज देते हैं? जो बंदे मैं कॉल पे बता देता हूँ, एक बकरा रहेगा तो उसका चार्ज अलग बता, मैं कॉल पे बता रहा हूँ, क्वांटिटी रहेगा तो उसका चार्ज अलग, कोई फार्म पे 150 बकरे एक साथ करने का उसमें अलग कर देंगे इंशाल्लाह। तो साधव भाई आपका एक बार नंबर बोल दो, 9987904729। जिस किसी को भी लगेगा वो शादाब भाई का नंबर आ रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं शादाब भाई को। चलो अल्लाह हाफिज। बाद खाने के बाद आएंगे ना, हमारे उस्ताद मुल्ला को नहीं बताएगा तो किसको? फटाफट उठाओ कल तो दिखाओ उस्ताद की, उस्ताद जी देखो कैमरे में, निकल मुड़िया लाइन से निकाल भाई। हाँ हलीम का लो, कलीम आमिर भाई तुम नहीं आ रहे क्या? आमिर भाई